जिला कांगड़ा के चिकित्सा खंड फतेहपुर में कोरोना मरीजों की संख्या शतक तक पहुंचने वाली है। वहीं राहत वाली खबर ये है कि इनमें से करीब 80 मरीज सकुशल होकर घर लौट आए हैं। चिकित्सा खंड फतेहपुर के तहत करीब 1,20,000 की आबादी है, जिसमें से अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2,371 लोगों के कोविड-19 जाँच के लिए सैंपल लिए गए थे, जिनमें से अप्रैल महीने से सितम्बर तक 97 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज दिन तक फतेहपुर के कितने लोगों के सैंपल हुए हैं? आज तक हमारे अप्रैल ऑनवर्ड जो टेस्टिंग हुई है उनमें फतेहपुर ब्लॉक में हमने 2,371 लोगों के सैंपल लिए हैं अप टू 12 सितंबर तक, और उनमें से हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 97 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें 80 के करीब की रिकवर कर चुके हैं, और अभी तक सिर्फ जो पेंडिंग केसेस हैं जो अभी तक कोरोना से इसमें एक्टिव केसेस है हमारे ब्लॉक में वो 17 केसेस एक्टिव है कोरोना से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। तहसील नूरपुर के जसूर नजदीक बस स्टैंड के पास एडवांस डायग्नोसिस व सक्सेना अस्पताल खुल गया है, जिसमें डॉक्टर उषा एनजे एमबीबीएस रेडियोलॉजिस्ट द्वारा गर्भवती महिलाओं व अन्य के अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, लैब टेस्ट व दवाइयों पर 10% छूट दी जा रही है, तथा हृदय रोग के मरीजों के लिए ईसीएचओ टीएमटी द्वारा डॉक्टर गौरव धीमान द्वारा इलाज किया जाता है। वहीं डॉक्टर नवनीत कौर स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सामान्य डिलीवरी व सर्जेरियन डिलीवरी की सुविधा, महिला नसबंदी करने व खोलने के ऑपरेशन करने की सुविधा, बच्चेदानी व अंडेदानी की रसोली के ऑपरेशन की सुविधा, बांझपन का इलाज किया जाता है। वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल व शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर एचएम हक नवाज द्वारा तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। वहीं बता दें कि बहुत जल्द सिटी स्कैन भी आ रहा है।